हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, हम ना स्कूल जाने के लिए तैयार भी हो गए, वैन में चढ़ भी गए और मतलब थोड़ी सी दूर चले भी गए, और फिर इतनी बारिश आई कि वैन बंद हो गई। फिर भैया ने फ़ोन किया स्कूल में, तो वो कहते हैं कि यार छुट्टी है, सबको घर पर छोड़ो। तो हम घर पर आ गए, इतनी सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए और ये किया, लेकिन इतनी बारिश आ गई कि आज छुट्टी होगी। मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ इतनी बारिश आई है ना, इतने जो कुएँ थे ना वो भी ऐसे बाहर तक डूब रहे हैं। आपको दिखाती हूँ, अभी ना बारिश काफ़ी हद तक कम हो गई है, पहले तो इतनी तेज़ आई थी जब हम जाने वाले थे स्कूल, ऐसे भीग गए थे, जूते वगैरह सारे ख़राब हो गए थे, मेरे जूते ही ख़राब करने थे। फिर तो बारिश, फिर तो घर पे ही आना पड़ गया। अभी भी आसमान गरज रहा है। तो गाइस, अब ना बारिश बंद हो गई है और अभी बज रहे हैं शाम के 5, और सुबह इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी ना कि मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, उसके बाद मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि बाहर इतनी तेज़ बारिश थी कि बाहर जा ही नहीं सकते थे। और उसके बाद बारिश जब बंद हो जाती है, चल जाती है, बंद हो जाती है, फिर चल जाती है, ऐसे ऐसे होता रहा, कम तेज़ कम तेज़ कम तेज़, बहुत ज़्यादा बारिश आई थी। और अभी ना, अभी क्या दोपहर में जब 12-1 बजे थे ना, तब बारिश रुकी थी और इतनी तेज़ धूप आ गई थी कि लग ही नहीं रहा था बारिश आ रही है, और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी। अब तो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना पहले तो बहुत तेज़ ह्यूमिडिटी थी, ऐसे लग रहा था बस काम ख़त्म है, बहुत ऐसे पसीने से ऐसे ऐसे हो रहा था। लेकिन अब तो हवा चल गई है और लाइट भी नहीं थी, 4 बजे हैं तो लाइट आई है, तो मम्मी ने कपड़े वगैरह धोए हैं। और आज तो स्कूल से छुट्टी, हमें ना सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि स्कूल जहाँ 1 घंटे पहले वैन आती है, इसीलिए इतना सुबह सुबह जल्दी उठ के तैयार हुए। और फिर तैयार होने के बाद हम वहाँ से मतलब यहाँ से घर के अंदर से बाहर वाले कमरे तक जाने में ना थोड़ी दूरी है, इसलिए वहाँ मिट्टी थी तो फिसल भी सकते थे, और इतनी बारिश आ रही थी कि हम फिसल भी रहे थे। फिर हम जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँच तो गए कमरे तक, लेकिन जूतों में इतनी मिट्टी चिपक गई, फिर उन्हें पहुँचा सारा, फिर वैन आई, वैन पर चढ़े। चढ़ने के बाद बस यहाँ से थोड़ी सी दूर एक दुकान है हमारे, वहाँ तक पहुँचे कि वैन का जो फेन बेल्ट होता है वो उतर गया बारिश के कारण। और उसके बाद में उस भैया ने फ़ोन किया स्कूल में, तो वो कहते हैं कि रास्ता तो ख़राब है, तो वैन तो दूसरे आ नहीं सकती, आपने जितने बच्चों के लिए उतनों को घर पे छोड़ दो, आज छुट्टी है। तो हम तो घर पे आ गए, उसके बाद हमें लगा भी स्कूल में सिर्फ हमें छुट्टी हुई है, तो भैया ने ऐसे कहा था कि सिर्फ राजपुरा वालों को छुट्टी है, बाकी सारों का स्कूल लगेगा। लेकिन बाद में आए घर पे, फिर 10 मिनट बाद मैसेज आ गया, दिस स्कूल रिमेन क्लोज ड्यू टू हैवी रेन। तो मैंने स्टेटस वगैरह देखे तो शाहदुल शहर में तो इतनी तेज़ बारिश थी कि सब कुछ ऐसा ना डूब रहा था, ऐसे तिर रहा था सामान, मतलब बहुत तिर तो कह रहा डूब रहा, बहुत ऊपर ऊपर तक पानी था। और आज गंगानगर ज़िले में तो हाई अलर्ट था बारिश का, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी। आपके यहाँ इतनी तेज़ बारिश आई थी क्या, आज मुझे बताना। गाइस, अब तो आसमान कितना ज़्यादा, स्काई इतना क्लियर और वहाँ पे सूरज भी निकल गया, लेकिन पहले तो सब वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक बादल बादल हो रहे थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया, अब बारिश बंद भी हो गई है। बारिश के बाद ना प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते, देखो ये क्रापसुला भी बहुत सुंदर हो गया, नीलकंठ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया, मेरे को तो ये दोनों प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। और ये अभी यहाँ से सारी सफाई हुई है क्योंकि पहले बहुत बारिश आ गई थी, तो इतनी मिट्टी के कारण बुरा हाल हो गया था, लेकिन अभी यहाँ से सारी सफाई हो चुकी है। एंड ये वाली बेल आज इतनी बड़ी, बस आपको पता है किस चीज़ की बेल, अगर पता है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। एलोवेरा भी चल रहा है, भी हो गया बेली बेल दिख रही है, और इसमें ना फ्लावर्स भी लगते हैं, ये छोटे 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 येलो कलर के ब्लर आ रही है। हाँ देखते हैं, अगर इसका कुछ लगता है तो मैं दिखाऊंगी आपको, नहीं लगता है तो फिर देख ही जाइए। मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी भी लॉकडाउन के बारे में, आपको भी ऐसा लगता है कि कभी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन में घर पर रह रहे थे हम परेशान हो गए थे, जब लॉकडाउन लगाना तब ऐसे खुशी हुई भी, वाह स्कूल से छुट्टियां, इतनी छुट्टियां मज़ा करेंगे, लेकिन अब लॉकडाउन मतलब ख़त्म होने पर नहीं आया तब ऐसे रोना आने लग जाए, अभी काश स्कूल लग जाए। मुझे तो ऐसे हो गया लॉकडाउन के बाद में कि कभी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने फ्रेंड्स से दूर रहने में मज़ा नहीं आता, स्कूल में जाओ मज़ा आता है। अब तो ना ऐसा लगता है जैसे स्कूल बहुत बढ़िया चीज़ है, घर पे रहते हैं परेशान हो जाते हैं, स्कूल में ऐसा लगता है जैसे काफ़ी हद तक टाइम स्पेंड हो गया है। पहले ना ऐसे होता था कि स्कूल से छुट्टी मिल जाए, बस स्कूल से छुट्टी मिल जाए, स्कूल में नहीं जाना, एक छुट्टी आती इतनी खुशी होती थी संडे की, अब तो एक छुट्टी आती है ना संडे की तो इतना दुख होता है कि क्यों आ गई छुट्टी, स्कूल लग जाता ना तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि घर पर क्या करें सारा दिन, पढ़ लिया, मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, पढ़ लिया, उसके अलावा कोई काम नहीं होता हमारे पास घर पर। लेकिन स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, पढ़ना भी होता है, खेलना भी होता है,
मोबाइल टीवी तो नहीं होता पर मज़ा फिर भी स्कूल में आता है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मज़ा आता है घर से ज़्यादा। आप लोग भी बताओ, आप लोग भी चाहते हो क्या कभी लॉकडाउन ना लगे, और आपको भी लॉकडाउन में परेशानी हुई थी जैसे मुझे हुई थी? मुझे तो अब बिल्कुल पसंद नहीं लॉकडाउन, मुझे तो ऐसे ही स्कूल लगना चाहिए, लॉकडाउन कभी नहीं आना चाहिए। जब आज ऐसा कहा गया ना छुट्टी हो गई है, तो मुझे ऐसा हुआ अभी परसों तो संडे है और आज फिर छुट्टी होगी, कल कल स्कूल जाना, काश कल ही बारिश सुबह सुबह ना आए और स्कूल जाने को मिले, क्योंकि स्कूल में बहुत सही होता है। और जब ऑनलाइन स्टडी की ना तब तो पता चल गया कि स्टडी तो सामने ही होती है, ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आता, सब दिमाग के ऊपर से निकल जाता था, कभी किसी का नेटवर्क नहीं जुड़ता था, कभी किसी की क्लास नहीं जुड़ती थी, कभी किसी कोई कुछ समझाता था तो उसकी वीडियो नहीं आती थी, कभी ऑडियो नहीं आती, तो कुछ समझ में नहीं आता था। और जब ऑफलाइन जाके पढ़ा ना तब ऐसे हुआ वाह यही सब सही है और सब कुछ समझ में आता था, पर अब तो कुछ समझ में नहीं आया था जब लॉकडाउन लगा था ना। गाइस मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, इतनी देर तो इतने ज़्यादा धूप थी और इतनी देर में इतने सारे बादल आ गए, भी अभी बारिश आएगी, देखो इतने ज़्यादा बादल आ चुके हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।